एकदम प्रॉपर ठान लेना है कि भाई मुझे ऐसे अपने 60 ग्राम प्रोटीन कवर करना है, जो भाई जो भी जिम जाने वाले हैं उनके पास भी ये वीडियो होना चाहिए कि भाई गूगल करने से बढ़िया है भाई एक वीडियो देख लो। हेलो दोस्तों, फिर क्या हाल चाल, आशा करता हूँ सब लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और भाई घर बैठ के मौज ले रहे होंगे और अपनी जिम लाइफ को आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। तो भाई बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और भाई आज का टॉपिक ना बहुत डिफरेंट होने वाला है भाई। जो आप लोग बहुत गूगल पे सर्च करते हो ना कि भाई किस चीज में कितना प्रोटीन होता है और भाई कौन सी चीज लेनी चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, भाई ये सारी प्रॉब्लम्स ना और ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भाई बने रहे वीडियो में, लेट्स एंजॉय। इंटरेस्टिंग होने वाली है और भाई आज हर एक चीज का बिल्कुल प्रोटीन बताएंगे और भाई कौन सी चीज में कितने ग्राम प्रोटीन होता है और भाई बिगिनर लोगों को किस तरीके से अपने बॉडी में प्रोटीन को ट्रांसफर करना चाहिए। भाई एकदम से भागम भाग नहीं चलना चाहिए क्योंकि भाई भागम भाग से ना बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आएंगी। बाय द वे डिफिकल्टीज तो हर एक चीज में आती है लेकिन इसमें बिगिनर लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी और भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लेट होगा, एकदम से नहीं होगा जिस तरीके से आप चाहते हैं ना उस तरीके से भाई बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई बने रहे वीडियो में। तो भाई सबसे पहली बात जो आती है ना वो आती है भाई कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, सबसे मेन बात। भाई जो लोग बिगिनर जाते हैं ना अगर जिम में जाते हैं तो भाई यही पूछते हैं भाई प्रोटीन तो मैंने ले लिया है, अगर एक स्कूप प्रोटीन से आपकी क्या पूरी डेली की नीड हो जाएगी पूरी, कि आप लोगों ने अगर आफ्टर वर्कआउट वो आपने वर्कआउट की रिकवरी को करने के लिए वो एक एक स्कूप प्रोटीन लिया है ना कि भाई वो पूरे दिन की रिकवरी के लिए। अगर आप लोग को अगर बिल्कुल रॉ ले लोगे ना अगर प्रोटीन, तो भाई मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि भाई प्रोटीन आपके बॉडी में वेस्ट कैसे हो जाएगा, कैसे आपकी बॉडी में वो लगेगा नहीं और भाई वो वेट कैसे हो जाएगा, मैंने इस वीडियो के इस टॉपिक को कवर करते हुए एक वीडियो कवर किया है। तो भाई आप लोग उसको भी जाके देखें। तो भाई बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो भाई बिगनर लोगों की जो प्रॉब्लम होती है ना कि प्रोटीन कैसे लें, तो मेन बात होती है कि भाई रिकवरी के लिए तो आपने एक स्कूप प्रोटीन ले लिया है, सभी लोग लेते हैं, सभी का इवन मैं भी लेता हूँ कि भाई वो तो नीड है ना, अपनी डेली नीड के बेस पे वो लोग लेते हैं हम लोग। और दूसरी जो बात आती है कि भाई आपके घर का खाना वो बहुत मेन है। ऐसा नहीं कि आप लोग, एक तो आप लोग बिगनर हो, पहली बार जिम गए हो, पहली बार वो सारा सिस्टम समझा है आप लोगों ने, तो भाई घर का खाना मस्ट मस्ट। पहले आप लोग अगर घर के खाने से अगर अपनी डाइट फुलफिल लेके चलोगे ना तभी आप कहीं ना कहीं आगे जाके बेस्ट अपना दे पाओगे। अगर आप लोग यही पहले दिन जिम गए, अगले दिन से आप लोगों ने एकदम से खाना छोड़ दिया, सीधे चावल भी उतर आए, रोटी बंद कर दी, परौठे बंद कर दिए, मतलब घर का खाना ही बंद कर देते हैं बहुत से नए नए बालक या फिर जो नए नए जो बच्चे जो जिम जाते हैं, भाई ये बिल्कुल नहीं करना है। भाई आप लोग अपनी बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हो, आपने आज तो देख लिया कि भाई परौठे बंद कर दिए, सारी चिकनी चीजें बंद कर दी, भाई आपकी जो बॉडी बनी हुई है ना वो फैट से भी बनी हुई है भाई, वो प्रोटीन से भी बनी हुई है और विटामिन कैल्शियम और तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। आप पहले बात को समझो ना, पहले बिना समझे ही कुछ ना कुछ ये छोड़ दिया वो खाना छोड़ दिया, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, भाई यार थोड़ा समझ के चलोगे ना तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया करके जाओगे। अगर बिल्कुल समझोगे ही नहीं और भाई एकदम से भागम भाग से लगे रहोगे तो भाई पहले घर का खाना मस्ट और फिर आप लोग रिकवरी के लिए एक ग्राम अगर आप लोग एक स्कूप अगर आप लोग प्रोटीन ले रहे हैं ना तो और भी ज्यादा बेस्ट है भाई, वो रिकवरी में आपके हेल्प करेगा और डेली की जो आपकी जो
प्रॉपर जो एनर्जी है ना रोज की, जो 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 आप लोग जो जिम के अलावा जो भी काम करते हैं उसकी रिकवर करने के लिए भाई घर का खाना मस्ट है। फिर आप लोग घर के खाने में जो आपका बन रहा है ना आप भाई उसी को खाइए बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत पेट भर के खाइए। ऐसा नहीं कि भाई दो रोटी खा ली, चार रोटी खा ली, भाई जितना भूख लगी है ना, और आपकी आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई मेरी बॉडी को रिकवरी के लिए कितनी क्या चीजें चाहिए। तो भाई इस तरीके से चलिए। और भाई प्रोटीन कितना लेना चाहिए, आपका मान लीजिए वेट 60 है, 60 ग्राम प्रोटीन ले लो, 80 ग्राम प्रोटीन ले लो, लेकिन भाई वो लोगे कहाँ से? एक स्कूप में तो 12 ग्राम 18 ग्राम होगा, तो बाकी का 40 ग्राम कहाँ से लेके आओगे? भाई क्या एक दिन में सिर्फ 3 स्कूप से ही आपका पूरा दिन चल जाएगा क्या? भाई ऐसा नहीं होता है समझ के चलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो घर का खाने में भी कुछ ना कुछ भाई बहुत प्रोटीन होता है, कुछ ना कुछ नहीं भाई बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं चलते हो। दाल गाओ, पनीर, और भाई ये तो मैंने दो नाम बता दिए, भाई ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप इससे अपना 40 ग्राम प्रोटीन कवर कर सकते हो। कवर करने से बढ़िया है कि भाई ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और जो भाई जो भी जिम जाने वाले हैं उनके पास भी ये वीडियो होना चाहिए कि भाई गूगल करने से बढ़िया है भाई एक वीडियो देख लो और अपने घर के खाने पे फोकस करो, और भाई अपनी जिम लाइफ को बढ़िया तरीके से बेस्ट बनाओ, बढ़िया तरीके से बेटर टू बेस्ट की ओर जाइए बहुत ही इजीली स्टेप से। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो? और भाई इस वीडियो देखने के बाद ना आपको एकदम प्रॉपर ठान लेना है कि भाई मुझे ऐसे अपने 60 ग्राम प्रोटीन कवर करना है। और भाई कहते तो बहुत लोग हैं कि भाई एक डोंगा, अगर एक डोंगा जो लोग नहीं जानते भाई, एक कटोरा भर के आपने अगर बड़ा सा बैसे लाता है, अगर आपने उतनी भर के अगर दाल पी ली तो आपको थोड़ा प्रोटीन मिला, थोड़ा मतलब 5-6 ग्राम मिल गया आपको प्रोटीन। फिर भाई कुछ लोग कहते हैं तो भाई सीधा प्रोटीन ही का, भाई इजेंशियल प्रोटीन और नॉन इजेंशियल प्रोटीन में डिफरेंस होता है भाई, मैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई ये आगे आने वाली वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। भाई इजेंशियल और नॉन इजेंशियल प्रोटीन में भी भाई बहुत अंतर होता है, और आपको ये नहीं पता तो भाई दूसरी वीडियो में जाके देखिए। और भाई कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। भाई बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।